नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग राजस्थान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से 3 सेट हमने कर लिया था। बाकी हमें कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट किया था कि पहले हम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दें प्रीवियस ईयर के, इसलिए आज हम वही पेपर लेके आए हैं। ठीक है, आज हम PHED का पेपर सॉल्व करेंगे जो 2015 में आया हुआ है। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने पेपर से। ये देखिए, ये हमारा और ये पेपर जो है ये JEE का पेपर है जो कि डिप्लोमा के लिए आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल डिप्लोमा, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे मेंशन है, ये हमारे कितने हैं, 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 40 आपके नॉन टेक हैं प्लस 60 आपके क्या है, इसमें 60 जो है टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि सिविल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसमें जो इसका जो पैटर्न है, इसमें 40 क्वेश्चंस में से इन्होंने हिंदी भी पूछा है, इंग्लिश भी पूछा है, GK GS सब कुछ पूछा है, और सबको मिला के 40 क्वेश्चंस पूछे हैं, और 60 हमारे क्या है टेक्निकल। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने टेक्निकल पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अपना हम क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन 2015 का है पेपर, जो कि PHED का है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और ये इसमें दोनों ही लैंग्वेज में पेपर दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में पेपर आया हुआ है। हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चन से, टेक्निकल क्वेश्चन से देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ दी सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड, लॉसेस, टेलर्स, ड्रिफ्ट, सैंड ड्यूज। तो यहाँ पे ऑप्शन में है लॉसेस, तो जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ए, जो कि हमारा विंड की वजह से ट्रांसपोर्ट होके आती है। और जो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है उसको हम एलोलियन सॉइल भी बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और जो टेलस होता है ये हमारा थ्रू ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटेशनल डिपॉजिट की वजह से उसको हम बोलते हैं, ग्रेविटी सॉइल भी बोलते हैं, टेलस बोलते हैं। ड्रिफ्ट जो होता है हमारा ग्लेशियर्स या फिर आइसबर्ग की वजह से जो आता है, जो फॉर्म होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। और सैंड ड्यून्स जो हमारा आपने देखा होगा, जैसे जो रेगिस्तान रहते हैं राजस्थान में, जैसे थार का वो है डेजर्ट्स जो सॉइल होती है, उसको हम मेनली बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ अ पार्सली सेचुरेटेड सॉइल इज 60%, देन द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज, यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या दे रखा है, एस दे रखा है, कितना है, 60% है पार्सली सेचुरेटेड सॉइल का। आपको बताना क्या है, आपको एयर कंटेंट बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, इसका जो सम होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हम ये फॉर्मूला लगा के एयर कंटेंट निकाल लेंगे, तो AC क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस S। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस S कितना हो जाएगा, ये हमारा 60% दिया हुआ है, 1 माइनस 0.60 रखेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.40। तो इसको परसेंटेज में कितना हो जाएगा, ये हमारा 40%। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड, यहाँ पे पूछा गया है जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, तो ये हमारा होता है क्या, पोरोसिटी। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, पोरोसिटी। एयर कंटेंट क्या होता है, आपको ये सारे ही जो ऑप्शंस में सब पता होना चाहिए। तो एयर कंटेंट क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, कितना वॉइड में एयर है वो निकालते हैं। परसेंटेज एयर कंटेंट में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, या परसेंटेज जहाँ भी होगा वहाँ टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं। और वॉइड रेशियो क्या हो जाता है हमारा, ई, ई इक्वल टू ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस तरीके से हम सारे इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज नोन एज, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये डायग्राम पढ़ा होगा सॉइल में, ये वाटर कंटेंट और वॉल्यूम के, यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट रहता है और ये हमारा वॉल्यूम रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और ये हमारी सॉलिड स्टेट, ये 4 स्टेट होती हैं जो कि अटरबक्स ने, अटरबक्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पूछा क्या है इन्होंने, लिक्विड लिमिट हो गई, ये लिक्विड स्टेट हो गई, ये प्लास्टिक स्टेट हो गई, ठीक है, ये हमारी सेमी सॉलिड स्टेट हो गई और ये हमारी हो गई सॉलिड। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या, बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, मतलब आपको इसकी बाउंड्री बतानी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। ये जो बाउंड्री होती है हमारी प्लास्टिक से सेमी सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट। और बाकी यहाँ पे जो ये लिमिट आएगी ये हमारी हो जाएगी श्रिंकेज लिमिट।
तो ये तीन लिमिट्स आपको याद रखनी है, बाकी चार स्टेज होती हैं। तो यह राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ पर्चर ऑफ 150 माइक्रोन आई एस सीव इज, यहाँ पे पूछा है कि 115 जो माइक्रोन, 150 माइक्रोन की जो सीव होती है उसको अगर हम एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका साइज क्या होगा। देखिए ऑप्शन से पता चल गया देख के कि एमएम में कन्वर्ट किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है, 10^-6 मीटर। ठीक है, इसको इन्होंने एमएम में कन्वर्ट किया तो हम इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे और देखते हैं हमारा आंसर। एमएम में जब करेंगे 1 माइक्रोन को तो ये क्या हो जाएगा, 10^-3 mm। तो 150 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एमएम में। तो जब 150 को हम एमएम में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ क्या हो जाएगा, 0.15 mm। मेन आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्राई सॉइल हैज़ स्पेसिफिक मास ऑफ 1.35 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज़ 2.7, देन वॉइड रेशियो इज़। अब यहाँ पे स्पेसिफिक मास आपको गिवन है, जो आपको किसकी वैल्यू गिवन है, ये जीएम की वैल्यू गिवन है, कितनी है 1.35, और आपको सॉलिड दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड जी की वैल्यू गिवन है, आपको वॉइड रेशियो बताना है। तो वॉइड रेशियो निकालने के लिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो हम फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड अपॉन जीएम -1। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपको ई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएस की वैल्यू कितनी है 2.7, जीएम हमारा क्या है 1.35, और इसको -1 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इसको सॉल्व करने पे ये इसको सॉल्व किया, ये हमारा आ जाएगा 1 1, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 2 2, -1 करेंगे तो हमारा ई की वैल्यू क्या आ गई वर्ड रेशियो की, ये 1 आ गई। तो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज इज नोन एज वेल ग्रेडेड, पोअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सॉइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ सेम साइज, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के हैं, तो ये हमारे सॉइल क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी वेल, सेम साइज का है तो ये हमारी हो जाएगी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है, वेल ग्रेडेड में क्या होगा, वेल ग्रेड यहाँ पे राइट आंसर सी है। वेल ग्रेडेड में क्या होता है, वेल ग्रेडेड में सारे टाइप के जब पार्टिकल साइज के प्रेजेंट होंगे तो उसको हम वेल ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं। ठीक है, पोअरली ग्रेडेड में क्या होता है, पोअरली ग्रेडेड में हमारे सारे साइज के पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होते, कुछ प्रेजेंट होते हैं कुछ नहीं प्रेजेंट होते, तो वो हमारा हो जाता है पोअरली ग्रेडेड। ठीक है, गैप ग्रेडेड में क्या होगा, गैप ग्रेडेड में एक ही तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम लोग गैप ग्रेडेड बोलते हैं, कुछ हमारे मिसिंग रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग गैप ग्रेडेड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विक सैंड इज अ टाइप ऑफ सैंड, क्वेश्चनलेस सॉइल, फ्लो कंडीशन अक्रिंग इन क्वेश्चन सॉइल, फ्लो कंडीशन अक्रिंग इन क्वेश्चनलेस सॉइल। तो जो क्विक सैंड होती है ये एक टाइप का फिनोमिना होता है सॉइल में, जिससे उसकी बेरिंग कैपेसिटी पूरी तरीके से जीरो हो जाती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लो कंडीशन अक्रिंग इन कोहेजन लेस सॉइल। और ये हमारा कोहेजन लेस सॉइल जैसे सैंड में होता है, जैसे दलदल आप लोगों ने सैंड का देखा होगा कि जब आप पैर रखते हैं तो वो आपको उसकी बेयरिंग कैपेसिटी जीरो हो जाती है, तो पैर अंदर ही दस्ता चला जाता है। तो ये एक टाइप का फ्लो कंडीशन है, ठीक है, फिनोमिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलिंग हैंड मेथड टू डिटरमाइन परमेबिलिटी इज बेस्ट सुटेड फॉर, अब यहाँ पे पूछा गया जो फॉलिंग हैंड मेथड है वो कौन से सॉइल के लिए करते हैं। ऑप्शन में है क्ले सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, बोथ एंड बी नन ऑफ दी अबव। तो जो फॉलिंग हैंड मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है ये परमेबिलिटी टेस्ट के लिए करते हैं, और किस लिए करते हैं, ये हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन, ठीक है, आपको याद रखना है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। और जो कॉन्स्टेंट हेड, दो मेथड होता है परमेबिलिटी निकालने का, फॉलिंग हेड और कॉन्स्टेंट हेड। तो कॉन्स्टेंट हेड जो मेथड होता है उसको हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में फॉलिंग पूछा गया, तो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल क्या हो जाएगी, क्लेई। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। अब इस तरीके से याद रखिए FF और CC, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगा, फॉलिंग हेड फाइन ग्रेन और कॉन्स्टेंट हेड कोर्स ग्रेन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कंपैक्शन ऑफ सॉइल इन लेबोरेटरी यूजिंग इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, द वेट ऑफ हैमर यूज फॉर गिविंग ब्लोज टू सॉइल इज, अब यहाँ पे वेट पूछा है हैमर का, तो आपको पता होना चाहिए जो इसमें वेट हैमर का लेते हैं वो हम लेते हैं 2.6 kg। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, वैल्यूज याद है, आप उसको मार्क करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर इज, तो यहाँ पे अब हाइट ऑफ फॉल पूछी, तो जो इसकी हाइट ऑफ फॉल होती है वो हमारी होती है 76 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो इज, देखिए बहुत इजी से क्वेश्चन है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए क्या होता है, 3K = 3K 1 - 2μ। और अगर आपको एक और इसका रिलेशन याद रखना है, ये यहाँ पे हो जाएगा 2K 1 + 2μ। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखिए सब जगह पे 3K है, तो आपका इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए। यहाँ जो पॉइजन रेशियो है एम से डिनोट किया गया और मैंने यहाँ पे म्यू से डिनोट किया, किसी भी चीज़ से जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मटीरियल डेट हैज सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड, देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी मटीरियल है जिसकी प्रॉपर्टी सारी ही डायरेक्शन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक मटीरियल। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडिटर्मिनेट, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इनडिटर्मिनेट है। ऑप्शन में सिंपली सपोर्टेड बीम, अ प्रॉपर कैंटिलीवर विद इंटरनल हिंज, कैंटिलीवर बीम विद बोथ एंड फिक्स्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, आपको उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इनडिटर्मिनेट का पूछा गया है, तो अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा तो आप जब डिटर्मिनेसी इसकी चेक करेंगे तो इक्वल्स टू जीरो नहीं आएगी, तो इसके लिए आपको सारे जो जितने भी स्ट्रक्चर बीम दी हुई है इसकी पहले डिटर्मिनेसी चेक करनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेसी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए 3m + r - 3j, किसी भी बीम के लिए आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसकी डिटर्मिनेसी को चेक कर सकते हैं। तो अगर सारी आप लगाते हैं इसको इक्वल टू जीरो आ जाएगी तो ये डिटर्मिनेट हो जाएगा, और जो अगर इक्वल टू जीरो नहीं आएगी तो इसका मतलब वो इनडिटर्मिनेट है, ठीक है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी आप जो आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं किसी भी उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्वेश्चन को, वो हमारे पास तीन होती हैं, ठीक है, तो वो तीनों अगर सेटिस्फाई करती हैं उसको वो, तो हमारी वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट। अगर नहीं सेटिस्फाई करती हैं तो वो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम देख लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में ए हमारा हिंज होगा और यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा रोलर रहता है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, तो यहाँ पे जो हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो गई वो 3 हो गई और ये रिएक्शन 3, तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा इसके 0। तो ये हमारा क्या है, इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। अब बात करते हैं कैंटिलीवर की, कैंटिलीवर में क्या है, ये सिर्फ कैंटिलीवर की बात करें, कैंटिलीवर में ये होता है हमारा, यहाँ पे रिएक्शन कितनी आएंगी, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट, तो यहाँ पे रिएक्शन कितना हो जाएगा, 3, तो 3 - 3 = 0, ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रॉपर कैंटिलीवर विद इंटरनल हिंज, हमारा क्या है, ये कैंटिलीवर है और यहाँ पे इंटरनल हिंज है, और प्रॉपर कैंटिलीवर की बात करें कहीं पे भी एक इंटरनल हिंज ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी ये हो जाएगा हमारा 3 हमारी इक्विलिब्रियम, बाकी जो हमारा इसमें 3 आ रही हैं और 4, ये हो जाएगी 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें इंटरनल हिंज भी लग रहा है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 - 4 इक्वल टू ये आ जाएगा -1। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंटरनल हिंज है तो +1 करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। बीम विद बोथ एंड फिक्स्ड, अब हम बीम जो सारा बोथ एंड से फिक्स्ड है, इस तरह से बीम है, तो इसमें अब क्या होगा, ये हमारी 3 इक्विलिब्रियम -6, तो इसको जब करेंगे तो ये हमारा जाएगा 3, क्योंकि 3 रिएक्शंस यहाँ पे आएंगी, 3 रिएक्शंस यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डी, बीम विद बोथ एंड फिक्स्ड। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी हमने ये जो बताया आपको 3m + r - 3j, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जॉइंट्स जे एंड नंबर्स ऑफ मेंबर एम इज गिवन बाई, तो यहाँ पिन जॉइंटेड फ्रेम, प्लेन फ्रेम की बात की जा रही है, तो पिन जॉइंटेड फ्रेम के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं उसको, ये हमारा फॉर्मूला होता है m = 2j - 3, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A simply supported beam carrying UDL along full span, the maximum bending moment at center would be. अब आपको ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए देखते ही। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम की बात की जा रही है जो कि UDL है, फुल उसके स्पैन पे UDL है। आपको क्या बताना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है। तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है इसका कुछ ऐसा बनेगा, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसमें कितना आता है, WL² / 8। आप इसको रिएक्शन को सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपको इसमें कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है ये भी पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आता है। द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, बेंडिंग मूवमेंट एम एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई इज गिवेन बाई। अब देखिए आपको रिलेशन पूछा है, तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेंडिंग मूवमेंट अपॉन क्या होता है, आई इक्वल टू बाई आर सॉरी वाई अपॉन इक्वल टू ई बाई आर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन का। आप इस इक्वेशन से आप डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हैं। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेंडिंग मूवमेंट, फ्लेक्चर रिजिडिटी के बीच में आपको बताना है। तो आपको ये टर्म पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आई बाई आर। ठीक है, ये इधर गया, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लेते हैं ऑप्शन में। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हमारा बी है, एम इक्वल टू ई आई बाई आर, क्योंकि ई के साथ ही आई जाएगा जो कि हमारा होता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। नेक्स्ट देखते हैं, स्लोप ऑफ फिक्स्ड एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल लेंथ थ्रू आउट द स्पैन एल इज। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्लोप बताना है, कैंटिलीवर बीम है थ्रू आउट स्पैन एल, क्या है इसमें यूडीएल लग रहा है, आपको बताना है स्लोप फिक्स्ड एंड पे, आपको इस पे बताना है। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, अगर इस जगह पे स्लोप पूछा गया है तो यहाँ फिक्स एंड पे स्लोप की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन देखने की बाकी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, और बाकी फ्री एंड पे जो होगा मैक्सिमम स्लोप आता है अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, स्लोप कहाँ पर आएगा, ये फ्री एंड पे, फिक्स एंड पे जीरो होता है स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफ्लेक्शन एट सेंटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल सब्जेक्टेड टू कंसनट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट मिड स्पैन इज। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने कहा था सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन भी पता होना चाहिए कितना होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम है आपकी ऑफ स्पैन सब, और यहाँ पे क्या है, कंसनट्रेटेड लोड डब्ल्यू लग रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो जो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है तो वो हमारा होगा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछी गई है वो, अगर बेंडिंग मोमेंट पूछें तो वो WL/4 होता है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आता है वो हमारा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आएगा वो हमारा होता है WL² / 48 EI। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सॉरी WL³ होगा, यहाँ पे WL³/48 EI। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, ए होगा, राइट आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पैन इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, थ्रस्ट डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो डायग्राम जो एक्सियल लोड के बनता है, जो एक्सियल लोड का वेरिएशन होता है उसके अलोंग बनता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट डायग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन मॉडुलस ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायर डी इज। यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस पूछा है आपकी, जेड की वैल्यू पूछी, तो जेड इक्वल टू क्या होता है, आई बाई वाई। तो आई आपको पहले बता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन का क्या होता है, तो वो कितना होता है, पाई बाई सिक्सटी फोर अपॉन डी की पावर फोर ये होता है। बाकी आपको वाई क्या हो जाएगा, ये डी बाई टू हो जाएगा। तो आप जब इसको डी से ये कैंसिल होकर डी की पावर 3 हो जाएगा और 2 से ये जाएगा, तो ये आएगा 32, तो क्या हो जाएगा, पाई 32 डी क्यूब। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद रखना है, तभी आप उसका पूरा सेक्शन मॉडुलस निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हूप स्ट्रेस इज, अब हूप स्ट्रेस पूछा है आपको, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। हूप स्ट्रेस क्या होती है, पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है हमारा, सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, जो कि कंप्रेशन की वजह से जनरेट होगी,
लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगी नाम से ही पता चल रहा है, रेडियल क्या होगा, जो रेडियली जनरेट होगी। तो ऐसे हुप स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ थिन वॉल सिलेंडर द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको बताना है क्या होता है। तो पहले हुप स्ट्रेस क्या होता है, हुप स्ट्रेस आपको पता होना चाहिए तभी आप बता पाएंगे इसका रेशियो। हुप स्ट्रेस क्या होगा, PD/2T, ठीक है। और हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, वो हमारा होता है PD/4T। आपसे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये रेशियो क्या, PD से PD कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। तो जब ये ऊपर जाएगा ये, ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64। अ शाफ्ट ऑफ डायर डी इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज। तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बताना है कितना होता है। तो आपको अगर ये टॉर्क इक्वेशन पता है, ये होता है क्या होता है हमारा, टी अपॉन जे, जे क्या है, पोलर मॉड सेक्शन मॉड पोलर मॉडुलस है, ठीक है, अपॉन τ/r। आपको बताना है इसमें किस क्या शेयर स्ट्रेस। तो जे की वैल्यू आप रख देंगे कितनी हो जाएगी, ये T/π/32 D^4, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये D/2 हो जाएगी। तो जब आप उसका शेयर स्ट्रेस निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 16T/π/3, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन, राइट आंसर हेयर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आर, सरफेस टेंशन की यूनिट बतानी है। ऑप्शन देखते हैं, सेम एज यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये तो ऑप्शन गलत है, फोर्स की सेम यूनिट नहीं होती है। एनर्जी पर यूनिट एरिया, यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और अगर आपको सरफेस टेंशन की यूनिट नहीं आती, आप उसको एलिमिनेशन के थ्रू भी, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आप उसको एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया किया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये हमारा प्रेशर हो जाता है, और ये हमारा डायमेंशनलेस होता नहीं है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली राइट आंसर भी हमारा बी होता, एनर्जी पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिटोट ट्यूब इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, पिटोट ट्यूब का जो मेजर करते हैं वो किसके लिए, हम लोग वेलोसिटी मेजर के लिए करते हैं, आपको याद होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे तो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67। द अपर सरफेस ऑफ वियर ओवर विच वाटर फ्लोज इज नोन एज, तो यहाँ पे पूछा गया जो अपर सरफेस होती है वियर की, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिल, जिसके ऊपर वाटर फ्लो करता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। बाकी क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट जब वाटर फ्लो करता है तो जो वाटर का अपर सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। ये टॉप मोस्ट लेयर होती है वाटर की, और ये टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी वियर की, सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्करी इज यूज इन बैरोमीटर बिकॉज, ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सूटेबल होगा। इट इज़ अ परफेक्ट फ्लूड, इसलिए तो नहीं यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, ये भी नहीं होगा। इट इज़ अ लिक्विड मेटल, ये भी नहीं होगा। इट गिव्स लेस हाइट ऑफ कॉलम फॉर हाई प्रेशर, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, ये क्या होता है, कम हाइट देता है कॉलम में हाई प्रेशर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लो इन पाइप इज लेमिनार इफ रेनॉल्ड नंबर इज, अब यहाँ पे आरी का वैल्यू पूछी गई है कि लेमिनार के केस में कितनी होती है। तो आरी की वैल्यू लेमिनार के केस में क्या होती है, ऑप्शन देख लेते हैं, लेस देन 2000। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा, राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ए, लेस देन 2000। ट्रांजिशन के स्टेट में क्या होता है, ये बिटवीन 2000 से 4000 होता है, और जब अबव 4000 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, पेल्टन व्हील इज अ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो जो पेल्टन व्हील होती है इसको आपको याद रखना है, ये क्या होती है, ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। यहाँ पे भी पहला ऑप्शन जो हमारा ए सही है। रेडियल फ्लो के लिए हमारा क्या होता है, रेडियल फ्लो के लिए हमारा होता है इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन जो होता है वो रेडियली फ्लो के लिए होता है, और हमारा एक्सियल के लिए क्या होता है, एक्सियल फ्लो के लिए हम लोग कैपलन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कैपलन टरबाइन है उसको हम एक्सियल फ्लो के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ फ्रांसिस, सॉरी यहाँ पे जो रेडियल फ्लो टरबाइन है वो हम लोग किसके लिए करते हैं, ये फ्रांसिस टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन के लिए यहाँ पे नहीं होगा,
ये हमारी फ्रांसिस टरबाइन के लिए होगा, ठीक है, फ्रांसिस इम्पल्स नहीं होगा, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। रेडियल पेल्टन जो होता है टेंजेंशियल के लिए, रेडियल के लिए फ्रांसिस टरबाइन, और इसके लिए हमारा एक्सियल फ्लो के लिए हमारा कैपलन यूज़ करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ फ्रांसिस टर्बाइन इज इन द रेंज ऑफ, अब यहाँ पर फ्रांसिस टर्बाइन की रेंज पूछी गई, ऑप्शन देख लेते हैं, 10 से 35, 35 से 60, 40 से 60, 300 से 1200। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो हमारी पेल्टन की अगर बात करें, जो पेल्टन टर्बाइन की जो रेंज होती है स्पेसिफिक स्पीड की, वो हमारी होती है 10 से लेके 60 के बीच में, और फ्रांसिस की जो होती है, फ्रांसिस उसकी रेंज होती है हमारी 60 से 300 के बीच में। और लास्ट हमारा क्या बचता है, कैपलन, तो कैपलन की जो होती है वो हमारी होती है 300 से 1000। तो यहाँ पे कोई भी जो ऑप्शंस हैं वो सुटेबल नहीं लग रहे हैं, तो आप इसको याद रख लीजिए। बाकी आयोग ने तो एकदम ही गलत आंसर इसका दिया था राजस्थान के थ्रू, यहाँ पे ए दिया था जो कि बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन ब्रिक मेजनरी द फ्रॉग ऑफ ब्रिक इज नॉर्मली केप्ट ऑन, अब यहाँ फ्रॉग जो जैसे ब्रिक जब होती है इस पे एक देखिए, यहाँ पे ट्रेड जो जिस भी कंपनी का होता है यहाँ पे उसका नाम लिखा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रॉग, जो कि हम लोग टॉप फेस पे रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉटम फेस, टॉप फेस, एक्सपोज फेस, इंटीरियर, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। फ्रॉग को किस लिए बनाते हैं, जिससे कि जो हम बॉन्डिंग जो है वो मटेरियल की अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉन्ड मेड बाई अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन सेम कोर्स इज नोन एज, ऑप्शन देख लेते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड ये तो नहीं होगा, हेडर बॉन्ड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों बॉन्ड यूज हो रहे हैं, हेडर और स्ट्रेचर, इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड भी नहीं होगा, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, हम अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर की बनाते हैं, ठीक है, सेम कोर्स में अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर रहता है। और इंग्लिश बॉन्ड में क्या रहता है हमारा, इंग्लिश बॉन्ड में हमारा हेडर रहता है, फिर एक लाइन में हेडर रहता है और फिर एक लाइन में हमारा स्ट्रेचर रहता है। तो इस तरीके से जैसे आप डायग्राम देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, जो इंग्लिश बॉन्ड होगा जैसे हमने ये हेडर हेडर लगा दिया, फिर स्ट्रेचर हो जाएगा, फिर हेडर हेडर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सेम कोर्स में हमने क्या किया, सेम कोर्स है इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड में, हमने पहले हेडर लगाया, फिर स्ट्रेचर लगाया, फिर हेडर लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने स्ट्रेचर लगाया, हेडर लगाया, स्ट्रेचर लगाया, तो इस तरीके से ये हमारा बनता है फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइड्स ऑफ ओपनिंग सच एज डोर विंडोज आर नोन एज, जम्स, हेड्स, रिविल्स, वर्टिकल, तो जो साइड होती है किसी भी डोर के ओपन होने की उसको हम क्या बोलते हैं, जिस ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं जेम्स, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डॉवल इज आ, आप लोगों ने डॉवल नाम सुना होगा, क्या होता है, फास्टनर, सपोर्ट, ज्वाइंट इन वुडन पीसेस, टूल यूज इन वुड वर्क, तो जो डॉवल होता है ये हमारा एक टाइप का सपोर्ट होता है, ठीक है, जो कि हम लोग कहीं भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे पिंच पे कहीं भी छोटा सपोर्ट जब देना रहता है तो हम लोग डावल का यूज़ करके उसको देते हैं। तो ये पूछा गया ये क्या है, ये एक टाइप का सपोर्ट होता है, जैसे इसको किसी भी मटेरियल का हो सकता है, ये वुड का भी ले सकते हैं, ठीक है, और हम पिंस भी यूज़ कर सकते हैं डावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्लोप ऑफ स्टेयर शुड नॉट बी मोर देन 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो जो स्लोप होता है स्टेयर का वो कितना किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, जो मैक्सिमम स्लोप होता है वो हमारा स्टेयर का 40 डिग्री होता है, और अगर मिनिमम की बात करें तो वो हमारा होता है 25 डिग्री, ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है मिनिमम और मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेंबर लेड हॉरिजॉन्टली टू सपोर्ट द कॉलम राफ्टर्स विच ट्रांसमिट द लोड और लोड टू ट्रस और वॉल इज कॉल्ड, तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, जैग राफ्टर, ड्रैगन बीम, पर्लिंस, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया ही नहीं है, हमारे पास पीडीएफ फाइल थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, पर्लिंस, जो पर्लिंस के थ्रू क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने इस तरह का देखा होगा ट्रस में ऐसे बना रहता है मेंबर, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो होता है जो सपोर्ट करता है उसको, जो राफ्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्डेंस, ये हमारी पर्डेंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78, अ लॉन्ग बिल्डिंग स्पेंसन जॉइंट आर रिकमेंडेड टू प्रोवाइडेड एट इंटरवल ऑफ, अब यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए जो लॉन्ग लॉन्ग बिल्डिंग्स होती हैं उसमें एक्सपेंशन जॉइंट जो प्रोवाइड करते हैं वो कितना करते हैं और किस इंटरवल पे करते हैं, प्रोवाइड कितने इंटरवल पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 20 से 30, 50 से 60, 70 से 80, 90 से 100। तो जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं किस इंटरवल पे, राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ए, 20 से 30 मीटर इंटरवल पे हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग फॉलोड टू प्रिवेंट अक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज, अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पूछा गया है, तो जो अक्यूमुलेशन ऑफ एरर को हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, नन ऑफ द अबव, बोथ एंड बी। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, इसका जो प्रिंसिपल होता है इसमें क्या करते हैं, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट करते हैं इसलिए हैं जो अक्यूमुलेशन ऑफ एरर है उसको रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, देखिए यहाँ पे पूछा गया इग्नोर किया गया तो उसको क्या बोलते हैं, तो अगर हम काउंटर करते हैं तो वो हमारा जियोडेटिक सर्वे हो जाता है, अब इसमें इग्नोर किया है तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लेन सर्वे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन सर्वे। ठीक है, और अगर ये होता है द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड तो ये हमारा हो जाता है जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/, यह आपको 1 लाख दिया हुआ है, सिग्निफाइज द स्केल ऑफ, आपको बताना है कि ये कौन सी स्केल है। तो इसको आप क्या करेंगे कि आपको एक स्केल में इसको कन्वर्ट कर दीजिए और आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में किया गया है, तो ये सेंटीमीटर से आप इसको क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा। ये 50 है तो ये क्या होता है हमारा, इसको कन्वर्ट करेंगे 50 हो जाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाता है, ये 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारा 1000 मीटर, और जब हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 जीरो हमारे और बढ़ जाएंगे, तो हमारी जो ये स्केल जो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारी क्या हो जाएगी, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने किलोमीटर में को किस में सेंटीमीटर में कर दिया, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, पूरा कन्वर्ट करके देख लेंगे आपको बेस्ट सुटेड जो आंसर है वो ऐसे मिल जाएगा। द मैक्सिमम पिच ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट टी इज लिमिटेड टू, अब आपको मैक्सिमम पिच पूछी गई है कि टू एडजेसेंट जो रिवेट होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, 24T, 32T, तो जो राइट आंसर है वो हमारा बी है, आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 32T। बाकी अगर यहाँ पे पूछते हैं, अगर जो हम मैक्सिमम पिच की बात कर रहे हैं, अगर मिनिमम पिच पूछते हैं तो मिनिमम पिच भी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, मिनिमम पिच होती है 2.55। और अगर टेंशन के केस में पूछें कि टेंशन के केस में कितनी होती है, तो ये हमारी होती है 16T। कंप्रेशन के केस में पूछते कितनी होती है, तो आपको याद रखना ये 12T होती है, और टैकिंग रिवेट के केस में हमारी 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज द, यहाँ पे पूछा है मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होती है, तो मैग्नेटिक बेयरिंग आप सबको पता है ये हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है किसके बीच में, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। देख लेते हैं ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक द विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, वर्टिकल एंगल विच इट मेक्स द मैग्नेटिक मेरिडियन, विक्टोरियल एंगल विच इट मेक्स द मैग्नेटिक मेरिडियन, एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है वो तो हमारा सही है, ये क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो कि बनाता है मैग्नेटिक मेरिडियन से। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ए। अब यहाँ पे हमने जो ऑप्शन सी देखा वो भी हमारा आंसर सही है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल तो होता है ये आप सबको पता है, बाकी इसमें हम इसके जो मैग्नेटिक बेयरिंग जो लेते हैं वो हम लोग लेते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, तो डायरेक्शन लेते हैं प्लस माइनस साइन का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा वेक्टोरियल एंगल भी हम इसको
बोल सकते हैं, क्योंकि जब हमारा ईस्ट होता है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, वेस्ट होता है तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सी भी हो सकता है, बट आयोग के थ्रू इन्होंने यहाँ पे मार्क किया था ए, तो हम यहाँ पे ए मार्क कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ए भी सही है और सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ अ प्रिज्मेटिक कंपास स्टार्ट विथ 0 मार्क एंड इट इज मार्क्ड एट। यहाँ पे पूछा है प्रिज्मेटिक कंपास की बात की जा रही है, तो प्रिज्मेटिक कंपास आपको पता होना चाहिए। प्रिज्मेटिक कंपास में पूछा है विद 0 मार्क, तो ये प्रिज्मेटिक कंपास में 0 मार्क कहाँ पे होता है? साउथ डायरेक्शन में होता है। ये हमारा होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है हमारा वेस्ट। तो इस तरीके से होता है, तो जब 0 मार्क होता है तो यहाँ पे हम 0 स्टार्ट करते हैं साउथ से, तो और जब इधर जाते हैं तो 90 डिग्री एंगल बढ़ता रहता है। ये हमारा वेस्ट पे 90, ये हमारा नॉर्थ पे क्या हो जाएगा 180, और यहाँ पे क्या आता है 270। इस तरीके से होता है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास। तो विद 0 मार्क क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे देख लेते हैं, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको देख के पता चल गया, साउथ साइड होगा। और कंपास दो होते हैं, एक प्रिज्मेटिक होता है, एक हमारा सर्वेयर कंपास होता है। जैसे सर्वेयर कंपास के केस में क्या करते हैं हम, ये कुछ ऐसा रहता है, ये हमारा होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो नॉर्थ साउथ की जो होती है, ये हमारा 0 0 0 लेते हैं, और बाकी हमारा जो ये वेस्ट और ईस्ट होता है, इसको हम लोग 90 डिग्री लेके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द क्वाड्रेटर बेरिंग सिस्टम होल सर्किल बेरिंग ऑफ होल सर्किल आपको दे रखी है विल बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटर में करना है। तो अगर क्वाड्रेटर में करने के लिए फिर वही हम पहले डायग्राम बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिखा के। आपको दिया होल सर्किल बेरिंग, तो होल सर्किल बेरिंग आपको कितनी दी है 204। तो ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? ये हमारे वो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि 9 का 9 18, 9 3 27, 270 के अंदर ही है। तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा कितना है दे रखा है 204 डिग्री 30 सेकेंड है वो विल बी एक्सप्रेस। अब उसको क्या करना है, क्वाड्रेटर में करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 180 माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो क्वाड्रेटर बेयरिंग है वो हमारी कितनी है। तो आप 204 में से 30 सेकेंड से 180 डिग्री माइनस करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 24 डिग्री 30 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको देखना भी है किस डायरेक्शन में आया, ये हमारा साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे तो वेस्ट और साउथ, ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सी, साउथ एंड वेस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ईस्ट में है, साउथ एंड ईस्ट में, इसलिए ये आंसर तो बिल्कुल गलत है। आपको ये भी डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेंच मार्क इस्टेब्लिश्ड बाई इन द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट विद वेरी हाई प्रिसीजन विद रेफरेंस टू मीन सी लेवल इज नोन एज। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो बेंच मार्क लेते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, जो बहुत ही हाई प्रेसिजन का होता है, तो उसको क्या, कहाँ से लेते हैं वो, क्या कौन सा मार्क होता है? ऑप्शन GTS बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, आर्बिट्री बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होता है GTS बेंचमार्क, ठीक है। ये हम लोग रिफ़र करते हैं बहुत ही हाई प्रेसिजन के लिए जब हमें चाहिए होता है। बाकी अगर ऑप्शन में GTS नहीं होता तो आप परमानेंट बेंचमार्क इसको मार्क करते हैं। GTS हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेट इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंच मार्क। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द ट्रूनियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस इज, ऑप्शन देखते हैं। द एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन। तो ट्रूनियन जो एक्सिस होता है, ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है अगर आप, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, टेलीस्कोप को जब आप वर्टिकली है और उसके एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट करेंगे तो उसको जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रूनियन एक्सिस। द एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कर्व हैविंग वेरिंग रेडी एंड इंट्रोड्यूस इन बिटवीन अ स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व इज नोन एज। अब ये देखिए, नाम से ही पता चल गया है कि अगर स्ट्रेट कर्व, स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व है और रेडियस भी वेरी कर रही है, तो वो क्या होगा?
ऑप्शन देखते हैं, कंपाउंड कर, ट्रांजिशन कर, वर्टिकल कर, सबमिट कर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, ट्रांजिशन कर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ क्यूब डिटरमाइन करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो साइज बनाते हैं क्यूब का, वो होता है हमारा 150 × 150 × 150 mm का क्यूब बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं ऑप्शन देख के। ड्यूरिंग मास कॉन्क्रीटिंग विच सीमेंट इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड? रैपिड हार्डनिंग, लो हीट सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो जब भी मास कॉन्क्रीटिंग वर्क की बात आती है, जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, डैम्स, रिजर्वायर, जहाँ पे हमें कौन सी सीमेंट यूज़ करनी रहती है? लो हीट सीमेंट, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, जिसमें क्या करते हैं, C2S का परसेंटेज हम बढ़ा देते हैं एज कंपेयर टू C3S से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का, जैसे पेवमेंट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, पेवमेंट जब सड़क वड़क बनती है तो उसके लिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग करते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट का हम लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, जिसका सेटिंग, इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे सी में और ओशियंस में जहाँ पे सल्फेट पानी में पाया जाता है, तो क्रोजन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कॉन्क्रीट में, तो उसके लिए हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असलम कोन इज यूज प्राइमरी टू वर्क इंडिकेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंक्रीट। अब असलम कोन नाम आते ही आपके दिमाग में वर्कबिलिटी आ जाना चाहिए, वो क्योंकि जो वर्कबिलिटी टेस्ट करते हैं हम लोग कंक्रीट की, वो हम लोग स्लम टेस्ट से करते हैं। स्लम टेस्ट में हम लोग स्लम कोन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ड्यूरेबिलिटी एंड फिनिश, एयर इंट्रेनमेंट एंड केमिकल रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड वर्कबिलिटी, अपीयरेंस एंड कलर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड वर्कबिलिटी चेक करते हैं स्लम कोन से। स्लम कोन का साइज़ क्या होता है, ये साइज भी आपको पता होना चाहिए। ये साइज यहाँ पर बनाते नहीं, थोड़ा गलत बन गया है, कोन कोन लग नहीं रहा एक्चुअली। ये हमारा, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 10, 20, 30। आप इस तरीके से याद रखिए, 10 सेंटीमीटर में होता है, 10 इसका टॉप डाया, 10 सेंटीमीटर बॉटम डाया जो होता है वो हमारा होता है 20 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट होती है वो होती है हमारी 30 सेंटीमीटर। तो 10, 20 और 30 इस तरीके से आप इसको याद रखिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट, यहाँ पे कॉम्पैक्शन वर्ड आया तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपल्जन ऑफ एयर वॉइड्स। अगर यहाँ पे कॉम्पैक्शन आ गया, ठीक है, एयर वॉइड हो गया, और वाटर वॉइड को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसोलिडेशन। ठीक है, तो यहाँ कॉम्पैक्शन की बात की जा रही है, जब कॉम्पैक्शन करेंगे तो क्या होता है, एलिमिनेट एयर वॉइड्स, एलिमिनेट करते हैं टू अचीव मैक्सिमम डेंसिटी। तो जो वो इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, क्या होता है इसमें, कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन दोनों में वॉल्यूम रिड्यूस होता है, उससे क्या अचीव होता है, हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है उस चीज़ की। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, टू प्रोवाइड प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉन्क्रीट एंड रिइंफोर्समेंट मटीरियल। तो यहाँ पे जब दो ऑप्शन सही है तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, डी। सही हो जाएगा नहीं, ये हमारा ऑलरेडी सही ही है, ऐसा नहीं कि सही नहीं था और हमने इसको सही कर दिया। तो कॉन्टैक्ट जब आप एयर रिमूव करेंगे, मैक्सिमम डेंसिटी अचीव होगी, जिससे कि कॉन्टैक्ट बनेगा रेनफोर्समेंट मटेरियल और कॉन्क्रीट के बीच में। राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS 456/2000 द मैक्सिमम रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर स्ट्रक्चरल यूज इज। अब IS 456/2000 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम ग्रेड हम RCC का लेते हैं कॉन्क्रीटिंग के लिए, वो हम लोग कितना लेते हैं, M20। ये आपको याद रखना है, M20 से कम का ग्रेड का हम लोग कॉन्क्रीट नहीं यूज़ करते हैं। अगर PCC की बात करें, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, तो उसमें हम M15 का यूज़ करते हैं। RCC के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग M20 मैक्सिमम ग्रेड। इन केस ऑफ स्लैब यूजिंग HYSD बार द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिकमेंडेड इज़। अब यहाँ पे आपसे रिकमेंडेड पूछा गया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होता है, तो जो इसका परसेंटेज ऑफ स्टील होता है वो मिनिमम, वो हमारा होता है 0.12% HYSD बार के केस में। अगर माइल्ड स्टील के केस में बात करेंगे तो वो हम कितना लेते हैं, 0.15%। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन। अब आपको थिकनेस बतानी है जो गसेट प्लेट की होती है वो कितनी होती है,
तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख के ही पता चल गया, 6 mm 8 mm, जो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी, 8 mm होती है गसेट प्लेट्स की थिकनेस, इससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेसिंग इन द बिल्टअप स्टील कॉलम आर डिजाइन टू रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड, शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड, एक्सियल फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड, बोथ एंड बी। ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा जब हम ऑप्शन पढ़ रहे थे कि राइट आंसर क्या होगा, बहुत इजी सा है। तो जो लेसिंग के केस में हम लोग लेते हैं वो होता है हमारा शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव विद और विदाउट फ्री ऑक्सीजन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, विद और विदाउट जो सर्वाइव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो दोनों की प्रेजेंस में सर्वाइव कर लेते हैं, बाकी एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्री ऑक्सीजन में ही सर्वाइव कर पाते हैं, और जो हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो इन एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाते हैं, फैकल्टेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो दोनों ही केस में सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल इन अ सेडिमेंटेशन टैंक द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज गवर्न्ड बाई, डार्सी लॉ, ड्यूपिट्स लॉ, स्टोक्स लॉ, नन ऑफ द अबव। तो कभी भी सेटलिंग वेलोसिटी की जब बात आती है तो उसमें हमेशा ही स्टोक्स लॉ का यूज़ किया जाता है। सेटलिंग वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, इसका जो फॉर्मूला है आप उसको कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। द वाटर मीटर मीटर विच इज इंस्टॉल्ड ऑन इंडिविजुअल हाउस कनेक्शन ऑन म्यूनसिपल सप्लाई इज वेलोसिटी मीटर, इन्फ्लुएंशियल मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर, स्पीडोमीटर। तो जो वाटर मीटर हम लोग इंस्टॉल करते हैं इंडिविजुअल हाउस में, जो हमें रीडिंग देता है कि कितना वाटर हमारा वेस्ट होता है, उसको हम लोग क्या, ये होता है एक टाइप का हमारा डिस्प्लेसमेंट मीटर, जो हम लोग एग्जिट पॉइंट पे इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल इज ऑब्टेंड इन ऑक्सीडेशन डिच, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, एरेटेड लगून, ट्रिकलिंग फिल्टर। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात की जा रही है, बीओडी किस में रिमूव होता है, तो वो हमारा 98% तक रिमूव कर देता है हमारा ऑक्सीडेशन डिच में। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। बाकी ऑक्सीडेशन पॉन्ड की अगर बात करें तो 80 से 90% तक हमारा इससे भी रिमूव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी ट्रिकलिंग फिल्टर में भी हमारा 90% तक हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या किसमें होगा, ऑक्सीडेशन डिच। तो यहाँ पे जितने टेक्निकल के क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिए हैं। बाकी गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, इसमें ये इंग्लिश वर्जन ख़त्म हो गया, आगे हिंदी है, तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में किया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू।